करने जा रहे हैं इंश्योरेंस क्लेम्स के बारे में। इंश्योरेंस से क्या समझते हैं आप? इंश्योरेंस जो है वो इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योर्ड के बीच में होने वाला एक एग्रीमेंट है, जिसमें दी हुई शर्तों के आधार पर इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा इंश्योर्ड को हुई हानि की पूर्ति की जाती है। अर्थात हम इंश्योरेंस एग्रीमेंट को एक क्षतिपूर्ति अनुबंध के रूप में जानते हैं। आज हम बात कर रहे हैं अग्नि से होने वाली हानि की पूर्ति के बारे में। अग्नि से होने वाली हानि के लिए हम तीन प्रकार का बीमा करवा सकते हैं। पहला स्टॉक की हानि का बीमा, दूसरा परिणामी हानि का बीमा और तीसरा व्यापक बीमा। लॉस ऑफ स्टॉक के बारे में हम आज बात करते हैं कि लॉस ऑफ स्टॉक के लिए इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस हानि की पूर्ति के लिए क्लेम की राशि कैसे प्रस्तुत की जाए कि इंश्योरेंस कंपनी द्वारा हमें इस हानि की पूर्ति की जाए। इसके लिए राशि की गणना करने के लिए हमें सबसे पहले ये ज्ञात करना है कि आग लगने की तिथि को हमारे बिजनेस में कितना स्टॉक विद्यमान था। उस स्टॉक की गणना के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि हमारे पास वास्तविक स्टॉक हो। अगर वास्तविक स्टॉक हमारे पास स्टॉक रिकॉर्ड मेंटेन किया गया है और वो अग्नि से सुरक्षित रहा है तो हमें यह पता चल सकता है उस रिकॉर्ड के आधार पर कि आग लगने की तिथि को हमारे बिजनेस में कितना स्टॉक विद्यमान था। लेकिन प्रायः यह देखने में आता है कि इस तरीके का रिकॉर्ड नहीं मेंटेन किया जाता है, या यदि इस तरीके का मेंटेन किया गया रिकॉर्ड भी अग्नि से नष्ट हो चुका है तो हमें स्टॉक की अनुमानित कैलकुलेशन करनी पड़ती है। और इस अनुमानित कैलकुलेशन के लिए हमें कौन सा अकाउंट बनाना पड़ता है? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। हमें बनाते हैं, उसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से क्या ज्ञात करते हैं? सकल लाभ या सकल हानि, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। लेकिन यहाँ पर हमें ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस जो है वो पिछले वर्षों के जीपी रेट का एवरेज लेके मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है। और बैलेंसिंग फिगर से हमारे पास जो आएगा वो होगा क्लोजिंग स्टॉक, यानी आग लगने की तिथि को व्यवसाय में विद्यमान स्टॉक की राशि। तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में हम सबसे पहले हमारा फाइनेंशियल ईयर जिस दिन स्टार्ट हुआ है उस दिन का स्टॉक लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास ओपनिंग डेट से लेकर टिल द डेट ऑफ फायर जितना भी हमने माल परचेज किया है वो लिखेंगे, और उसमें से परचेज रिटर्न को लेस कर देंगे तो हमारे पास नेट परचेज की अमाउंट आ जाएगी। सिमिलरली क्रेडिट साइड में हम सेल्स में से रिटर्न को लेस करेंगे और नेट सेल्स की अमाउंट लिखेंगे। ये जो नेट सेल्स की अमाउंट है ये भी ओपनिंग डेट से लेकर टिल द डेट ऑफ फायर तक की लिखी जाएगी। क्लोजिंग स्टॉक हमारा यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर से आएगा, लेकिन इसके लिए हमें पहले जीपी भी लिखना होगा। ये जीपी किसके आधार पर आएगा? ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज, और वो एवरेज जैसा भी क्वेश्चन में हमें दिया हुआ हो, ऑन द बेसिस ऑफ 5 ईयर्स, ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स, उनके आधार पर हमें जीपी को लिखना है। और उसके बाद में हमारे पास ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक मीन्स जिस डेट के लिए हम जिस डेट को ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं, यानी जिस दिन हमारे यहाँ पर दुर्घटना हुई है उस दिन हमारे बिजनेस में कितना स्टॉक था वो हमें यहाँ से बैलेंसिंग फिगर से ज्ञात हो जाएगा। बात आती है ये जीपी कौन सा लेना है। जीपी की रेट जो है वो हमें सेल्स पर दी हुई होनी चाहिए। यदि वो हमें कॉस्ट पर दी गई है, पिछले सालों की जीपी रेट यदि हमें कॉस्ट पर दी है तो हमें उसे सेल्स पर कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। और जो पिछले वर्षों की सेल्स है वो नॉर्मल सेल्स होनी चाहिए। उस सेल्स में कोई भी एबनॉर्मल सेल्स इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए। यदि कोई माल ऐसा है जो हमने डिस्काउंटेड रेट पर बेचा है तो उसमें हम वापस डिस्काउंट ऐड करके और पिछले साल के जीपी को भी उस डिस्काउंट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करके हम पिछले वर्षों की नॉर्मल जीपी रेट को कंसीडर करेंगे। यानी पिछले वर्षों का जितने भी वर्षों का हमें औसत लेना है उस एवरेज निकालने के लिए हमें नॉर्मल सेल्स और नॉर्मल जीपी को ही कंसीडर करना है। तो नॉर्मल सेल्स और नॉर्मल जीपी को कंसीडर करते हुए पिछले कुछ वर्षों की जीपी रेट कैलकुलेट की जाएगी और उन जीपी रेट्स का एवरेज निकाल कर यहाँ पर हम जीपी लेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट लेंगे, और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो आएगा दैट विल बी योर स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर।
आग लगने की तिथि को यदि हमारा स्टॉक हमें ज्ञात हो जाता है तो हमें अब ये ज्ञात करना है कि क्या ये पूरा का पूरा स्टॉक अग्नि से नष्ट हो गया है या हमने इसमें से कुछ मात्रा में माल बचा लिया है। ये जरूरी नहीं है कि माल पूरा का पूरा ही नष्ट हो गया हो सकता है हमने इसमें से कुछ माल बचा लिया हो। तो जो माल हमने बचाया है वो कहलाता है बचाया गया स्टॉक, दैट इज कॉल्ड सेल्वेज स्टॉक। जितना माल हमने बचाया है उसे इसमें से जो हम लेस कर देते हैं तो हमें जो ज्ञात होता है दैट इज अवर लॉस ऑफ स्टॉक। ये हमारी स्टॉक की होने वाली हानि है। स्टॉक की इस हानि के लिए हम बीमा कंपनी को क्लेम प्रस्तुत करते हैं, लेकिन कई बार व्यवसायी के द्वारा कम मूल्य का बीमा भी करवाया जाता है जिसे हम कहते हैं न्यून बीमा। यदि व्यवसायी के द्वारा न्यून बीमा करवाया गया है तो बीमा कंपनी को प्रस्तुत किए जाने वाली दावे की राशि जो है वह हमें स्टॉक से होने वाली हानि से कम होगी। और वो कैसे कम होगी इसके लिए एवरेज क्लॉज यानी औसत वाक्य का प्रयोग किया जाता है। हमारे व्यवसाय में जिस दिन आग लगी उस दिन जितना स्टॉक था वो हमारे लिए कहलाता है इंश्योरेबल अमाउंट, बीमा योग्य राशि, यानी उतनी राशि का बीमा करवाया जाना चाहिए था। लेकिन यदि व्यवसायी के द्वारा उस मूल्य से कम राशि का बीमा करवाया गया है, बीमा राशि जिस बीमा मूल्य जो होता है उसे हम बीमित राशि के नाम से जानते हैं, इंश्योर्ड अमाउंट के नाम से जानते हैं, यानी इंश्योर्ड अमाउंट यदि इंश्योरेबल अमाउंट से ज़्यादा या बराबर है तो हमें जो लॉस हुआ है वो पूरा का पूरा हमें बीमा कंपनी से वसूल करना है। लेकिन यदि इंश्योरेबल अमाउंट से इंश्योर्ड अमाउंट कम है तो बीमा कंपनी हमारे लॉस की हानि की पूर्ति भी आनुपातिक रूप से ही करेगी। तो हमारा जो अमाउंट ऑफ क्लेम है वो इस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, अमाउंट ऑफ क्लेम इज इक्वल टू लॉस ऑफ स्टॉक मल्टीप्लाइड विद इंश्योर्ड अमाउंट डिवाइडेड बाय इंश्योरेबल अमाउंट। ठीक है, कल हम बात करेंगे